बट हमने अभी जस्ट देखा था कि डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं मैथमेटिकली हमें डिफाइन करना पड़ा ऐसे कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स वेयर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इट इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा, अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ पा रहे हैं तो। पर ये टेन थीटा किस चीज़ का है? सपोज ये ग्राफ था, हम लोगों ने देखा था कि टेन थीटा बेटा हमारा है अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें। और ध्यान दें कि ये थीटा और जो हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है उस ट्रायंगल का थीटा सेम है। तो बेटा आपके मन में बड़े सवाल आएंगे कि सर ये थीटा किसके रिस्पेक्ट, बेटा एंगल में भी डायरेक्शन सेंस होता है, तो किसके रिस्पेक्ट में आप रहे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के और टेंजेंट एट दैट पॉइंट के बीच में नाप रहे हैं। एंगल हमारे किसके बीच में बना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट जहां हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, अब बेटा हम अगर इसी में ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएं तो अभी मैं आप लोग को एक ग्राफ देके समझाता हूँ कि ये टेन थीटा में थीटा थोड़ा ट्रिकी होता है। सपोज मैंने आपको एक ऐसा कर्व दिया कि जो ऐसा जा रहा है, ठीक है, मैं हर जगह कुछ डिफरेंट पॉइंट लिख लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया एक्स वन, यहाँ पे एक पॉइंट दिया एक्स टू, इसके जस्ट नीचे आपको पॉइंट दिया एक्स थ्री, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया एक्स फोर। मैं सारे पॉइंट रैंडम ले रहा हूँ बट कहीं ना कहीं सबका पर्पज है। यहाँ एक्स फाइव और यहाँ मान लेते हैं हमने एक्स सिक्स। अब देखो अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि मुझे यहाँ पे बस ये बता दो कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे और एंगल कौन सा लोगे, मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मुझे नहीं लगता टेंजेंट ड्रॉ करना आप लोग के लिए इतना डिफिकल्ट टास्क है। इस लाइन को सीधा करो थोड़ा सा उस पॉइंट पे और फिर सीधी खींच दो। इस लाइन को जहाँ पे टच कर रहा है उस कर्व पे थोड़ा सा सीधा चलो और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। इस कर्व पे जहाँ थोड़ा सा सीधा चलो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट पे थोड़ा सा सीधा चलो और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट पे थोड़ा सा कर्व के ऊपर चलो और सीधी लाइन खींच दो। टेंजेंट इज लाइक यू आर मूविंग ऑन द कर्व और अचानक से किसी बाइक पे आप चल रहे हो और हैंडल लॉक हो जाए तो आप सीधा निकल जाओगे, दैट इज टेंजेंट। अगर आप किसी कर्व पे बाइक चला रहे हो अचानक से बाइक का हैंडल उसी डायरेक्शन में लॉक हो गया तो जो वहां पे जाओगे ना दैट इज टेंजेंट। अब मैं अलग अलग एंगल्स के नाम लिखता हूँ बेटा। सपोज मैंने इसको कहा थीटा वन। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ बेटा कि हमें थीटा कहाँ कहाँ लेना है, कैसे लेना है पॉइंट्स पे अलग अलग जगह पे। एक्स टू पे देखो थीटा कैसा बना, थीटा टू। एक्स थ्री पे देखो ये लाइन ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल चली गई तो थीटा थ्री हमारा जो आएगा दैट विल बी जीरो। अब एक्स फोर पे ये आया हमारा थीटा फोर। हम एक्स फाइव पे जब आते हैं तो ये भी पैरेलल चला गया तो थीटा फाइव आया हमारा जीरो। बेटा सारे एंगल एक्स एक्सिस के साथ नापने, और अगर एक्स एक्सिस के आप पैरेलल चले गए तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपका एंगल जीरो होता है। और यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करते इसको ऐसे से मिलाते तो ये जो थीटा सिक्स दिखता ये भी मिलता। अपने कुछ चलो कैटेगरी बनाते हैं थीटा वन, इसमें से भी कुछ सीखते हैं ना बेटा, अगर इतना ड्राइंग बनाया है तो कुछ तो सीखेंगे। थीटा फोर, अगर आप में ऑब्जर्वेशन है तो मेरे साथ साथ ऑब्जर्व करो। थीटा वन थीटा फोर ठीक है, थीटा टू और थीटा सिक्स। मैंने तीन कैटेगरी डिजाइन की है, थीटा वन थीटा टू सिक्स और एक है आपका थीटा थ्री और थीटा फाइव। और इस कैटेगरी पे थोड़ा 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 ध्यान देते हैं। इन दोनों जगह पे
आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। अच्छा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब वहां पे टेन थीटा, थीटा जीरो पे टेन जीरो की वैल्यू जीरो, थीटा वन थीटा फोर में मैं देख पा रहा हूँ मेरा एंगल एक्यूट बन रहा है। बेटा मैं बच्चों से अभी जब इलेवेंथ की स्टार्टिंग होती है तो इतना एक्सपेक्ट करता हूँ उनको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पता हो, बेसिक वाला, वो भी जीरो से 90 डिग्री तक का। यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज है, बेटा फिर भी मैं तुम लोगों से बोलूंगा ना, हर बच्चे को एटलीस्ट साइन और कॉस के ग्राफ को अच्छे से सीख लेना है कि सर ये साइन थीटा है और ये सॉरी थीटा, और यहाँ पे हम कॉस थीटा बना ले रहे हैं। ये हमारा कॉस थीटा का ग्राफ हो गया इसके साथ में। अगर बच्चे बस छोटी सी एक बात पे ध्यान दे दें कि जब जब 0 से 90 के बीच साइन थीटा हमेशा, बेटा देखो साइन पे देखना, मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर टेन थीटा मेरा डिफरेंशिएशन है तो तुम मुझे बताओ कि एक्यूट एंगल के लिए, जब एक्यूट एंगल के लिए साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों की वैल्यू 90 में 0 से बड़ी आती है, पॉजिटिव आती है। देखो 0 to 90 कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, यानी यहाँ पे ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। सिंपल सी बात है बेटा, यानी टेन थीटा हमारा पॉजिटिव आएगा कब, एक्यूट एंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल में हम क्या देखते हैं बेटा, टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन तो हमारा 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव रहता है, लेकिन हमारा कॉस थीटा 90 से 180 के बीच में नेगेटिव चला जाता है एक्स एक्सिस के नीचे। पॉजिटिव बाई नेगेटिव आप आराम से ऑब्जर्व करो बेटा, इट इज ऑल्सो नेगेटिव। अब मैं देख पा रहा हूँ कि तीन कैटेगरी में मेरा डिफरेंशिएशन आ रहा है बेटा, टेन थीटा इज डिफरेंशिएशन। आपको ध्यान वैसे ही देना है, ऑब्जर्व वैसे ही करना है। पहली कैटेगरी है डिफरेंशिएशन की, जब मैंने क्या देखा मेरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया। फिर मैंने एक कैटेगरी देखी जब मेरा डिफरेंशिएशन जीरो आया, फिर एक कैटेगरी मैंने देखी जिसमें नेगेटिव आया। अगर मैं इसको भी ऑब्जर्व करूं तो आई विल गेट ए वेरी वंडरफुल रिजल्ट। मैं इन्हीं ग्राफ में वापस आता हूँ, यही जो हमारे ओरिजिनल ग्राफ थे, मैं ऑब्जर्वेशन देखता हूँ। देखो अगर मैं एक्स वन पे जाऊँ, जब मैं डेल्टा एक्स लूंगा तो मेरा एक्स के बढ़ने से मेरा वाई बढ़ रहा है। तो मैंने देखा जब जब मेरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो एक्स के बढ़ने से मेरा वाई बढ़ेगा। आगे चल के मैथ्स में इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। हमने जब डिफरेंशिएशन को नेगेटिव पाया तो मेरा जब एक्स बढ़ रहा है, देखो बेटा किसी एंगल को देख लो जहाँ डिफरेंशिएशन हमें नेगेटिव मिला था, हमको डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिला है थीटा टू पे। तो थीटा टू पे हमने जाके क्या देखा कि जब मेरा एक्स बढ़ेगा तो मेरे वाई की वैल्यू घट गई, यानी जब मेरा एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, यानी जब इनपुट बढ़ने से अगर आउटपुट घटता है, डिक्रीज करता है, तो हम उसे नेगेटिव बोलेंगे डिफरेंशिएशन को। अगर मेरा इनपुट बढ़ता है, एक्स बढ़ता है और मेरा वाई भी कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ता है, तब हम उसे इंक्रीजिंग फंक्शन या डिफरेंशिएशन पॉजिटिव बोल देंगे। और ये जो थीटा फाइव, बेटा आप ध्यान दो, इस पॉइंट पे मेरा एक्स बढ़ा पर वाई उतना ही रह गया। बेटा देखो एक सेकेंड दो, हाँ एक्स के बढ़ने से लगभग मेरा वाई वही रह गया। और यहाँ थीटा, बेटा थीटा थ्री पे भी अगर मैं ध्यान दूँ, मेरा जब एक्स बढ़ा तो देखो वाई वहीं रह गया, दिस इज वाई, वाई वहीं रह गया। तो यानी कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं आगे चल के जिसको हम मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, वेयर थीटा फाइव हमारा मैक्सिमा के लिए बनेगा आगे चल के, और ये लोकल मिनिमा के लिए बनेगा। ठीक है, बस ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ मैक्सिमम मिनिमा बाद में आएगा। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम कोई रैंडम ग्राफ ले लेते हैं तो हमको डिफरेंशिएशन के लिए तीन रिजल्ट मिल सकते हैं, एक डिक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग और एक जीरो। ठीक है बेटा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, ये बहुत डिटेल में भी हम पढ़ सकते हैं। जब हम ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो हम इन सब चीज़ों काफ़ी डिटेल में जाएंगे। अभी हम बेसिक्स जानना चाहते हैं, सिर्फ बेसिक्स। तो मैंने कुछ इतना समझ लिया कि मेरा जो डिफरेंशिएशन होता है, माई डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, मेरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो
चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, और ये हमारा टेन थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग करता है। और थीटा अगर आपने पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिया को पिछली साइड पे आते हैं, आपने ध्यान दिया होता कि हर एक में मैं थीटा को एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। आप ऐसा ना एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल नहीं ले लेना बेटा। थीटा टेंजेंट टेंजेंट और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में एंटी क्लॉकवाइज लेने से मिलता है बेटा। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। हमने एक और बात ऑब्जर्व की कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन की वैल्यू डीए बाई डी एक्स जीरो मिला। अगर मैं बेटा देखो, जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना तो हम हर एक का एक एक केस लेके पढ़ेंगे। अभी मैं इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दे रहा हूँ। हमने क्या देखा कि मुझे डिफरेंशिएशन जब जब मेरा जीरो मिल रहा है तो हमने इस टर्म को इस विसिनिटी में जहाँ पे हम हैं जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उस विसिनिटी में हमने देखा ये हाईएस्ट है। हमने इसको मैक्सिमा बोला, लोकल मैक्सिमा बेटा, जिस जगह हमें डिफरेंशिएशन निकालना था ये सबसे बड़ा है बेटा, लोकल हीरो है वहाँ का, लोकल में बेटा। हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा वाई के लिए बोलते हैं, एक्स के लिए नहीं बोलते, हमें आउटपुट से मतलब होता है व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो ये लोकल मैक्सिमा है उस जगह का, हाईएस्ट वाई। और जब हमने यहाँ देखा तो ये लोएस्ट है उस विसिनिटी में, उस एक्स की वैल्यू में ये लोएस्ट है, यानी लोकल मिनिमा। कहीं पे भी अपने दिमाग में इमेज मत बनाना कि मैक्सिमा मिनिमा पूरे कर्व के लिए वर्ड यूज हो रहा है। देखो ना बेटा, जैसे मैंने एक फंक्शन ऐसे बना दिया, मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, रुको। सपोज मैंने एक ग्राफ ऐसे बनाया बेटा, ये यहाँ पे मैक्सिमा है, ये यहाँ मिनिमा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये वाई की सबसे बड़ी वैल्यू, उससे बहुत बड़ी वैल्यू पॉसिबल है। उस जगह पे जहाँ पे आपको निकालना है डिफरेंशिएशन, आसपास में सबसे बड़ी वैल्यू है। जिस जगह पे आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, अगर डिफरेंशिएशन जीरो आया तो ये वहाँ आसपास लोकल जगह पे सबसे ज्यादा और सबसे कम है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा नहीं हो सकता या इससे छोटा नहीं हो सकता वाई की वैल्यू। तो कभी भी अपने दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट मत बनाना कि हम जब मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम बिग वैल्यू, कि हाँ इस ग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू, वाई की सबसे बड़ी वैल्यू की बात नहीं हो रही बेटा। व्हेनेवर वी से मैक्सिमा, जस्ट लाइक इन द विसिनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन निकालना है, दैट पॉइंट इज हाईएस्ट लोकली। अब बेटा मैं तुम लोग को एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ, होता क्या बुक्स में, देखो हमें फिजिक्स में मैथ्स को समझते हुए यूज करना है। देखो बेटा बात ये है ना कि कईयों के लिए डी वाई बाई डी एक्स चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स होगा। एक देखो आगे चल के थोड़ा समझोगे, जब तुम लोग डिफरेंशिएशन बोलोगे ना, जब सपोज तुम लोग लिख रहे हो डी वाई डी एक्स, तो आपका दिमाग, अगर मैंने माइनस फाइव लिखा है तो इस माइनस तक की इंपॉर्टेंस है, इस फाइव तक की इंपॉर्टेंस है, आपको ऐसे समझ आना चाहिए, अच्छा सर माइनस फाइव मतलब अगर एक्स को मैं पॉइंट वन चेंज करूंगा तो मेरा वाई माइनस पॉइंट फाइव कम हो जाएगा। और बेटा जब वेक्टोरियली इसको पढ़ेंगे ना तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस और अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग स्केलर टाइप का डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे वापस आते हैं। मैं चाह रहा था कि तुम कुछ ऑब्जर्वेशन करो, तुमने क्या ऑब्जर्वेशन किए, जहां पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो जीरो मिली या तो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। फिर कई बार तुमको ऐसे टीचर्स याद करा देंगे कि बेटा वाई अगर एक फंक्शन दिया है तो फंक्शन में जब डिफरेंशिएशन जीरो करोगे तो तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे अगर बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट सम पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स वन एक्स टू, डिपेंडिंग कि ग्राफ में पावर कितनी है। जैसे वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन आते हैं तो तुम्हें दो वैल्यू मिलती। सपोज कोई तुम वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, इसमें डिफरेंशिएशन निकालते तो अभी देखो बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूले में हम गए नहीं है इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख रहा, बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि आगे चल के जब मैं किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करूँगा तो डिपेंडिंग वो ग्राफ कैसा है मुझे एक इक्वेशन मिलेगी। अगर मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो आई विल गेट
सम वैल्यूज ऑफ एक्स। थोड़ी देर में बेटा अभी देखो, मैंने तुम्हें रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी नहीं पता है, तो मैं ये नहीं समझ सकता कि तुम्हें एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझ आएगा, ठीक है। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब मैं डिफरेंशिएशन सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट सम वैल्यूज फॉर एक्स वन लाइक वैल्यूज एक्स वन एक्स टू करस्पॉन्डिंग, जब मैं मुझे वाई दिया है और एक्स में एक रिलेशन दिया है, मैंने उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। बेटा अभी तुमने सिर्फ डिफरेंशिएशन का मतलब सीखा है, ऑपरेशन नहीं सीखा है। अभी हम थोड़ी देर में जब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो ऑपरेशन भी सीखेंगे। तो जब मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ तो इसको इक्वेट करने पे मुझे एक्स की कुछ वैल्यू मिलेंगी, ये वो वैल्यूज हैं जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा है। फिर वो आपसे बोलेगा कि बेटा जब डबल डिफरेंशिएट करते हो, दो बार डिफरेंशिएट करते हो, तो जब पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और जब नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें शो करते हैं। जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ये वाला मिनिमा के करस्पॉन्ड करता है और ये वाला मैक्सिमा के। अब ऐसा क्यों है, मैं मतलब ही बता देता हूँ बेटा। सपोज तुमने डी ओ बाई डी एक्स निकाला, जीरो किया, इससे तुम्हें एक एक्स वन मिला और एक एक्स टू मिला। अगर मैं इस एक्स वन को यहाँ जाके पुट करूँगा, सपोज मैंने कहा मुझे पॉजिटिव मिलती वैल्यू मिलती एक्स वन पुट करने पे, मतलब अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू एक्स वन पे निकालता, एक्स वन पे, और मुझे वो पॉजिटिव मिलती, तब मैं कहता कि वो मुझे मिनिमा देगा। मतलब इसका क्या है, बेटा मिनिमा आता है वाई का, यानी मैं एक्स वन की वैल्यू जाके फंक्शन में पुट करूँगा वाई में, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी ना वाई एट एक्स वन, जब मैं एक्स की जगह एक्स वन पुट करूँगा, दिस विल बी मिनिमा। और मान लो अगर मुझे डबल डिफरेंशिएशन में एक्स टू वैल्यू पुट करने पे पॉजिटिव मिलता, सॉरी नेगेटिव मिलता, तब मैं जब वाई में जाके वापस से एक्स टू पुट करता तो मुझे एक्स टू पे इसको मैक्सिमा कहना है। अब बेटा बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि सर सीधे एक्स वन एक्स टू डिफरेंशिएशन आने के बाद एक्स वन एक्स टू मिल गया, लेट अस पुट डायरेक्टली। बच्चे का मन लगता है कि सर जिसमें बड़ी वैल्यू आई वो मैक्सिमा होगा और जिसमें छोटी वैल्यू आई डायरेक्टली वाई में पुट कर देते हैं, एक्स वन एक्स टू क्या जाएगा सर, जो बड़ी वैल्यू आई वो मैक्सिमा, जो छोटी वैल्यू आई वो मिनिमा। बेटा देखो तुम तब गलत हो जाओगे जब तुम इस ग्राफ को कुछ ऐसे ऑब्जर्व कर लोगे। देखो जो किसी का मिनिमा है उसकी वैल्यू किसी मैक्सिमा से बड़ी हो सकती है। तो देखो था मिनिमा, अगर तुम वैल्यू पुटिंग से निकालते तो ये तो किसी मैक्सिमा से भी बड़ा निकला, तुम इसको मैक्सिमा बोल देते वैल्यू पुटिंग के हिसाब से, जो गलत हो जाता। बेटा अगर आप ध्यान दे पाओगे तो हम मैक्सिमा मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन चेक के बिना नहीं चेक बोल सकते कभी भी। आगे चल के भी जब तुम अभी जब कैलकुलेशन के थ्रू सिखाया जाएगा तब तुम ये देख पाओगे कि डबल डिफरेंशिएशन जब तक हम निकाल नहीं लेते वी कैन नॉट कमेंट लाइक कि हाँ नहीं ये बड़ा वाला आया है तो मैक्सिमा ही होगा, ऐसा नहीं होता। कई बार हमें वैल्यूज बड़ी किसी और डिजिट पे भी मिल जाती है, देखो यहाँ बड़ी वैल्यू मिली, बट बड़ा और छोटे से मतलब नहीं है। क्या हम उस आसपास के जोन के सबसे बड़े हैं, क्या हम उस आसपास के जोन के सबसे छोटे हैं, और वो हमें डबल डिफरेंशिएशन करने पे ही मिलेगा। अब किसी बच्चे के मन में ख्याल आता है कि सर ये डबल डिफरेंशिएशन क्यों लिखा आपने और कहाँ से आया ये, मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा बताता हूँ बेटा। हमने क्या बोला कि सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, देखो ऐसी चीज चुनता हूँ तुम्हें अभी मैथमेटिकली समझाने के लिए, मैं चलो तुमको ऐसे बोल देता हूँ कि x अगर y इक्वल टू x की पावर n दिया है, तब हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx तो ये n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन आता है। बेटा थोड़ी देर में हम चाहो तो इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना उसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, हम उससे डिराइव कर सकते हैं, डोंट वरी। बट देखो मैथ्स वालों को डिराइव करने दो और हम इसको यूज करेंगे, हम इसका मतलब समझेंगे, तो इसके चक्करों में हम कम पढ़ेंगे, बस हाँ चाहोगे तो कोई भी डिराइव कर देगा इसको। अब मैं सपोज तुमको एक इक्वेशन दिया, मैं बेटा समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दिया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब मैंने बोला बेटा इसका मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ मिलेगा, मुझे जानना है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। मुझे इस फंक्शन का ऐसा क्वेश्चन लिखा है, मुझे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है।
कहां पे मिलेगा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने क्या किया बेटा, इसको डिफरेंशिएट किया। प्लीज बेटा अपने दिमाग में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई और मैक्सिमा में अंतर रखना। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे बेटा देखो पावर पहचानो, यहाँ एन पावर है, एक्स की पावर एन, तो पहले वाले एक्स क्यूब का आ जाएगा थ्री एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस सिक्स एक्स, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। बेटा ये सब चीज़ें हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में थोड़ा डिटेल में जाएंगे अभी। अभी तुम ये मान लो कि अगर कोई फंक्शन कॉन्स्टेंट है, अगर मैं टू ही लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा वाई इक्वल टू टू, तो क्यों कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है? बेटा देखो ना, मैं एक्स चेंज कर रहा हूँ पर वाई चेंज हो ही नहीं रहा है, वाई डेल्टा वाई इज ऑलवेज जीरो, तो बाई डेफिनेशन डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई ही जीरो है तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो ही आएगी, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन लगातार तुम सीधे जीरो लिख सकते हो। अब मैं यहाँ तक आ गया, अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएशन को टोटल को डी ओ बाई डी एक्स को जीरो पुट किया। जैसे ही मैंने जीरो पुट किया तो मेरे को मिला जीरो इक्वल टू थ्री कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब फिर मैंने इतना समझा कि बेटा देखो थ्री तो जीरो हो नहीं सकता, दो चीज़ों का मल्टीपल अगर जीरो है तो ज़रूर एक्स कॉमन लेने पे एक्स माइनस टू मेरा जीरो होगा। यानी मुझे दो वैल्यू मिल गई जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो मिल सकता है, एक एक्स इक्वल टू जीरो और एक एक्स इक्वल टू टू। इन दो वैल्यूज पे मुझे डिफरेंशिएशन जीरो मिला। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी वैल्यू इसमें से मैक्सिमा के लिए है, कौन सी मिनिमा के लिए। बेटा प्लीज़ बच्चों की तरह से मत सोचना कि x2 बड़ा है तो 2 मैक्सिमा होगा। बेटा ये लॉजिक हर जगह नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता रहता, हम जहाँ डिफरेंशिएशन जीरो देखेंगे वी कांट कमेंट कि बेटा कौन सा मैक्सिमा के लिए जाएगा कौन सा मिनिमा के लिए जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा देखो, मैंने आपके सामने वाई को लिखा था कुछ, एक सेकेंड बेटा, हमने लिया था एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू। अगर मैं इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करूँ एक बार तो हमने देखा था हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स आया था। फिर मैंने अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट किया तो व्हाट वैल्यू आई विल गेट बेटा, व्हाट वैल्यू आई विल गेट। देखो डबल डिफ्रेंशिएशन का सिंबल ऐसा क्यों होता है हम ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट डबल डिफरेंशिएशन मतलब जो तुम एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हो उसको फिर से करो, थ्री को थ्री रहने दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो इसी फॉर्मूले को यूज करके कि एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें थ्री इंटू टू एक्स, और सिक्स एक्स की जगह हम लिख देंगे माइनस एक्स, यानी सिंपली सिक्स एक्स माइनस सिक्स। बेटा देखो जरा, अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन में जो हमने दो वैल्यूज निकाली थी x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू टू, आपके सामने जब मैं x जीरो पुट कर रहा हूँ यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन में, तब मुझे x डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पुट करने पे मुझे माइनस सिक्स मिल रही है, और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू मुझे जब मैं टू पुट कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो 12 माइनस सिक्स प्लस सिक्स, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पे मुझे नेगेटिव मिला और एक्स इक्वल टू सिक्स पे एक्स इक्वल टू टू पे मुझे पॉजिटिव मिला। बट इसकी मैग्नीट्यूड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, माइनस सिक्स है प्लस सिक्स है आई डोंट केयर, मुझे बस साइन ऑब्जर्व करना है नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं सिंपली ये लिखूंगा वाई का मैक्सिमा आएगा जब एक्स इक्वल टू हम जीरो डालेंगे, वाई का मिनिमा आएगा जब हम एक्स इक्वल टू, बेटा इस वाले टर्म में हमें पुट करनी वैल्यू, और हमारा वाई इक्वल टू वाई की वैल्यू एक्स इक्वल टू टू पे हमारी मिनिमम आएगी। बेटा बच्चे अभी भी पता है मन ही मन सोच रहे हैं कि सर अगर मैं एक्स को इन्फिनिटी पुट कर दूंगा देखिए ना बड़ी वैल्यू आ गई। बेटा बड़ी छोटे की बात नहीं की मैंने, ऐसे की बात की है कि जब देखो बेटा मैं एक्स को जीरो आपके सामने डालता हूँ, मैंने यहाँ जीरो पुट किया तो मुझे क्या मिला, जीरो जीरो प्लस टू, मुझे वैल्यू प्लस टू मिली।
बट मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ वो ग्राफ ऐसा रहा होगा उस जगह मैक्सिमा, फिर वो ग्राफ ऊपर उठेगा और किसी जगह पे तुमको x इक्वल टू 2 पे वो मिनिमा देगा। मैं इस ग्राफ को अच्छे से बनाता हूँ दूसरी जगह बेटा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम्हें क्लिक करेगा तुम्हें कुछ ऐसा क्लिक करेगा, अच्छा सर 0 पे ऐसा था और 2 पे x इक्वल टू 2 पे वो मिनिमा दे रहा था और x इक्वल टू 2 पे वो मैक्सिमा दे रहा था, अदरवाइज ग्राफ ऐसे चढ़ गया था ऊपर। यानी आप समझे कि हम जब ग्राफ में मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं तो वो किसी लोकल जगह की बात होती है, बड़ी और छोटी वैल्यू की बात नहीं होती है बेटा। मैक्सिमम मिनिमा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो ना कि मैं हमेशा कोई ना कोई एक वेरिएबल चेंज करके दूसरे वेरिएबल में मतलब बड़ी वैल्यू चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ मैं जिस जगह फंसा हुआ हूँ, सोचो ना मैं उस एक्स, मेरे हाथ में हमेशा इनपुट रहता है, तुम चाहे कंपनी के ओनर बन जाओ किसी प्लांट में चले जाओ, हमेशा तुम यही सोचोगे कि व्हाट वेरिएबल्स यू हैव इन योर हैंड, एक्स इज इन योर हैंड, उस जगह तुम ऐसा क्या कर दो कि अगर वाई मान लो डैमेज है तो डैमेज छोटा हो जाए, मिनिमा निकालता। तुम ऐसा सोचो कि तुम मैक्सिमा चाहते हो, वाई तुम्हारा कुछ प्रोडक्टिव चीज है, तुम एक्स को ऐसी कौन सी वैल्यू चुन लो कि आसपास में बहुत बड़ा चीज चेंज किए बिना मुझे सबसे लोकल मैक्सिमम मिल जाए बेटा। तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जिंदगी भर अगर तुम समझने की कोशिश करना स्टार्ट कर रहे हो तो। हम पूरी एक क्लास पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बट वो अलग से। हाँ अब मैं तुमको थोड़ा ये भी बता दूं कि तुम्हारे मन में जो कुछ, देखो बेटा सबके मन में थोड़े थोड़े कीड़े काटते हैं कि सर ये नेगेटिव लेने पे मैक्सिमा क्यों मिल रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी, डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है तब एक्स के बढ़ने से वाई की वैल्यू बढ़ती है, और डिफरेंशिएशन जब नेगेटिव है तो एक्स के बढ़ने से वाई की वैल्यू घटती है, ठीक है। अब मान लो किसी दुनिया में मैं इसको एक फंक्शन ऑफ एक्स मानता हूँ, नया फंक्शन, तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, बस एक बार इस नए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा इसके सिंबल पे भी ध्यान देना बेटा, जब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो मैं इन सिंबल्स के बारे में भी बात करूंगा। देखो ऐसे पैरेलल लिखते हैं, पता है ऐसे टेढ़ा क्यों लिखते हैं, ताकि तुम इसको डिफरेंशिएशन का स्क्वायर मत समझो। अच्छा देखो यहाँ आते हैं, हमने क्या देखा, डबल डिफरेंशिएशन जब हम निकाल रहे हैं तो वाई वी से कि नेगेटिव मैक्सिमा जाएगा, वाई वी से पॉजिटिव मिनिमा जाएगा, ये थोड़ा सा पॉइंट है अच्छा सा, और देखते हैं चलो एंजॉय करते हैं। हमने क्या देखा कि देखो बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है, अब मैं तुमको यही चीज ग्राफिकली इमेजिन कराता हूँ, मजा आए तो बताना। देखो बेटा अगर हमने एक ग्राफ ऐसे बनाया, और यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि देखो ये वो वैल्यू है एक्स की, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें मैक्सिमा देगा मतलब 0 देगा, और यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, कुछ एक्स वन मान लो और यहाँ पे कुछ एक्स टू मान लो। अब बेटा तुम ध्यान से देखो, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर तुम ऐसे दिखाऊं, एक टेंजेंट बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, जब मुझे मैक्सिमा बना के पास जाना है, मैक्सिमा के पास, तो जितने मेरे टेंजेंट बने वो देखो पहले ऐसे थे, फिर थोड़ा ऐसे हुए, बाद में ऐसे हो गए, फ्लैट होते जा रहे हैं। देखो ध्यान दो टेंजेंट्स पे ध्यान दो, मतलब टेन थीटा की वैल्यू बेटा टेंजेंट बेटा दो। अच्छा जरा उस एंगल्स को भी देख लो, अगर तुम समझ पा रहे हो कि जब मैं मैक्सिमा को टच करना चाहता हूँ तो पहले मेरा एंगल ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर धीरे धीरे जाते जाते ऐसे हो गया, यानी पहले एक एंगल 90 के पास था, फिर एक्स एक्सिस से छोटा हुआ, बाद में 0 हो गया, तो कहीं ना कहीं तुम 90 डिग्री से 0 डिग्री का सफर तय कर रहे हो थीटा के टर्म्स में। अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसा बनाता तो बहुत बड़ा 90 डिग्री एंगल है टेंजेंट का, और धीरे धीरे करते करते थीटा यहाँ पे 0 मिल गया, यानी मैक्सिमा जाते वक्त हमें 90 to 0 डिग्री की जर्नी करनी पड़ती है। पर टेन थीटा की वैल्यू बेटा आप आराम से देख लो, टेन थीटा की वैल्यू बेटा अगर मैं 90 से 0 जा रहा हूँ तो घट रही है कि बढ़ रही है बताओ। चलो मान लेते हैं तुम्हें सिर्फ साइन कॉस ही आता है, ये साइन रहा ये कॉस रहा। अब तुम मुझे बताओ जब मैं 0 से 90 जा रहा हूँ तो मेरा कॉस थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है,
मेरा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? मेरा टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इस पर किसी को डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं कि मेरा एंगल कहाँ जा रहा है, 90 से ज़ीरो, ठीक है चलो, तो जब साइन जीरो की वैल्यू है तो मैं हाईएस्ट हूँ, साइन की वैल्यू हाईएस्ट है, यानी हमारा न्यूमरेटर 90 से ज़ीरो बढ़ते वक्त घटेगा और हमारा डिनोमिनेटर 90 से ज़ीरो डालते वक्त बढ़ेगा। अब बताओ बेटा, न्यूमरेटर को घटाओगे और डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन तो घटेगा, 90 से ज़ीरो जाते वक्त 10 थीटा घटेगा। आराम से सोच लो मैंने क्या बोला। अब बस साइन और कॉस को ऑब्जर्व करो। हर देखो मैं 90 से ज़ीरो की तरफ जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं 90 से ज़ीरो की तरफ जाऊँगा मेरे साइन की वैल्यू बेटा, साइन की वैल्यू घटेगी क्योंकि हाईएस्ट थी 90 डिग्री पे, और मेरे कॉस की वैल्यू 90 से ज़ीरो जाते वक्त बढ़ेगी, यानी हर क्षण जब मैं 90 से ज़ीरो की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है बेटा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज नथिंग बट, टेन थीटा इज नथिंग बट योर डिफरेंशिएशन। अगर एक फंक्शन जो डिक्रीज करता है, हमने देखा ना टेन थीटा डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा आता है बेटा? नोट्स में अगर वापस जाओगे, हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी, अगर कभी भी मेरा आउटपुट बढ़ रहा है और इनपुट भी बढ़ रहा है तो उसमें डिफरेंशिएशन पॉजिटिव था, लेकिन अगर मेरा इनपुट बढ़ने के साथ मेरा आउटपुट डिक्रीज हो जाए बेटा नेगेटिव में, हमने देखा था वाई, सॉरी ये एरो गलत है, हमारा वाई घटेगा। देखो ना बेटा, हमने ये लिखा था ना, अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आता है दैट मीन्स एंगल्स ऑब्जर्व कर लो। एंगल हमारे कौन कौन से थे बेटा? ऑब्ट्यूज वाले में थीटा टू, थीटा टू पे हमने जाके देखा था कि देखो मेरा एक्स यहाँ से यहाँ बढ़ा और मेरे वाई की वैल्यू डिक्रीज हो गई, जैसे कि हमने पहले दिखाया था। यानी जब भी मैं ये कहूँ आपसे कि डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे मेरे वाई की वैल्यू घटेगी अगर मेरा एक्स बढ़ेगा तो। डिफरेंशिएशन में नेगेटिव का मतलब वही होता है बेटा। अब मैं वापस से उस पेज पे आता हूँ जहाँ पे हम लोग थे। हमने क्या देखा कि अगर मैंने मैक्सिमा के चक्कर में पढ़ा तो मेरा थीटा 90 से जीरो की जर्नी तय कर रहा है, मेरा थीटा 90 से जीरो जा रहा है और मेरा टेन थीटा डिक्रीज हो रहा है। अब टेन थीटा इज ए फंक्शन, कौन सा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन खुद घटने वाला है 90 से जीरो, तो जो घट रहा है उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है? जब मैं कॉमन सेंस में बोल रहा था कि वाई एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है जब वो एक्स के साथ घटता है, मतलब एक्स बढ़ेगा और वाई घटेगा, तब डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होगा। अब अगर मैं यही चीज बोलूं कि डी वाई बाई डी एक्स भी तो एक नया फंक्शन ही आएगा, अगर मेरी इस फंक्शन की वैल्यू घट रही है, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू घट रही है मैक्सिमा के चक्कर में, जब मैक्सिमा के पास जा रहे हैं तो हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू घट रही है। जिस जो भी फंक्शन घटता है, देखो जब वाई घटा था तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव था, जब डी वाई बाई डी एक्स घटेगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव आएगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन वुड बी नेगेटिव। और बेटा ऊंचाइयां छोड़नी है ना तो स्लोप धीरे धीरे कम हो जाएगा। देखो स्लोप यानी डिफरेंशिएशन, अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो स्लोप विल डिक्रीज, और ये डिक्रीज इन स्लोप यानी डिक्रीज इन टेन थीटा यानी डिक्रीज इन डिफरेंशिएशन। डिक्रीज इन समथिंग मतलब उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। डिक्रीज किसका हुआ? डी वाई बाई डी एक्स घट रहा था, तो अगर हम 90 से जब जीरो जा रहे हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन घट रहा है, तो घटने वाली चीज़ों का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। तो दो भाई कर लो इसको डिफरेंशिएशन एक और बार, हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा, इसीलिए ये टेस्ट हो जाता है कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव क्यों ले रहे हैं। और बेटा सेम लॉजिक तुम लगा सकते हो मिनिमा के लिए। देखो यहाँ पे आपका एंगल बढ़ता हुआ जाएगा। देखो बेटा ऑब्ट्यूज से जब हम जीरो डिग्री तक आएंगे ना बेटा, तो हम उसे एंगल का इंक्रीज बोलेंगे। देखो हम क्या देख पा रहे हैं, जब यही लॉजिक से नेक्स्ट पेज पे, एक सेकंड बेटा, नेक्स्ट पेज पे बेटा वही सेम लॉजिक, अब मैं दो बार रिपीट नहीं करूंगा। मैंने देखा यहाँ स्लोप मेरा घट रहा था, लेकिन अगर मैं मिनिमा होता तो वही स्लोप मेरा बढ़ रहा होता। बेटा देखो ऑप्टिक्स के लिए वैल्यू बड़ी नेगेटिव आती है, फिर छोटी नेगेटिव, फिर जीरो। बेटा बड़ा नेगेटिव से
जीरो की जर्नी को हम बढ़ना कहते हैं, बढ़ना, बढ़ रही वैल्यू। तो अगर मैं मिनिमा के चक्कर में पढ़ रहा हूँ तो मेरा टेन थीटा यानी डिफरेंशिएशन बढ़ रहा है। डिफरेंशिएशन का बढ़ना मतलब उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। आई होप आपको ग्राफिकली थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक किया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको एक ब्रॉड पिक्चर देखता हूँ कि हमने अब तक क्या सीखा। मैंने आप लोग को ये सिखाने की कोशिश की, समरी के हिसाब से बताऊँ बेटा, मैंने आपको एक छोटी सी समरी देनी चाहिए। इस समरी में मैंने आपको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताई। मैंने अभी किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे ध्यान नहीं दिया है। डिफरेंशिएशन जैसे आप सोचो साइन एक्स का कैसे करोगे, कॉस एक्स का कैसे करोगे, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया है। हमने सिर्फ उसके मतलब सीखने पे ध्यान दिया है कि डिफरेंशिएशन इज सिंपली किसी पॉइंट पे निकालते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट, लेकिन विद द कंडीशन दैट डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी लो। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी, कई बार हमें क्वेश्चंस में मैक्सिमा और मिनिमा पूछेगा। बेटा मैक्सिमा मिनिमा पे हम लोग एक पूरी क्लास अलग से कर लेंगे, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन सिखाने के लिए कोशिश की जा रही है। अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें कभी भी ये मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, देखो बेटा ये वाई वन कहलाएगा मैक्सिमा, ये वाई टू कहलाएगा मिनिमा, और ये वाई थ्री कहलाएगा मैक्सिमा गेन। अगर ये सारे पॉइंट्स निकालने हैं तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो मिलेगी। हर मैक्सिमा या मिनिमा पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो मिलेगी। अब हर जगह जब डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो मिलेगी बेटा, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा मैक्सिमा होगा कौन सा मिनिमा। तो अगर हमें एक फंक्शन वाई दिया था, हम सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स करके उसको जीरो करेंगे, और इसको सॉल्व करने से बाय सॉल्विंग डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो वी विल गेट सम वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे हमें डिफरेंशिएशन जीरो मिला। जैसे ये वैल्यू मिल जाएंगी, सपोज एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री, ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो है। और जैसे ही हमें ये वैल्यू मिली, हम इन तीनों वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन यानी इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट करके, डोंट वरी बेटा अभी सिंबल से मत डरो, होगा क्या ना, इनके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स से फॉर्मूले बोरो हम कर लेंगे। मीनिंग पे ध्यान दो, डबल डिफरेंशिएशन हमारा इन वैल्यूज पे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री पे पुट करने पे, डबल डिफरेंशिएशन निकाल के वैल्यूज पुट करो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, अगर पॉजिटिव आई तो मिनिमा और नेगेटिव आई तो मैक्सिमा। फॉर एग्जांपल देखो इस ग्राफ में देखो दो मैक्सिमा एक्स वन और एक्स थ्री, तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू एक्स वन पे और एक्स थ्री पे नेगेटिव आई। एक्स वन एक्स थ्री जब मैं डबल डिफरेंशिएशन पुट करूंगा तो वी विल गेट ए नेगेटिव वैल्यू। बेटा देखो देखो हर लेक्चर्स ना हर टीचर का एक फ्लो होता है, जब तक तुम इन सारी चीज़ों पे एक फॉलो अप क्लास जो भी आएगी वो नहीं करोगे और डिफरेंशिएशन में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं सीखोगे, तब तक इन सब चीज़ों को हम टोटली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पर इतना याद रखना कि मैक्सिमम मिनिमम कहना क्या चाहते हैं। बेटा देखो मैं आगे चल के तुमको बताता हूँ कि कहाँ ले जाएगा तुम्हें, जो जरूरी है। मैं ऐसा चाहता हूँ बेटा देखो, एक कंपनी है उसमें कोई एक वेरिएबल है एक्स और ये वाई, एक आदमी चाहता है कि ये या तो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए लोकली, और ये वो वेरिएबल है जो वो चेंज कर सकता है। तो हमेशा वो क्या देखेगा, सपोज बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, सपोज मैं किसी बैग पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं किसी रिवर का फ्लो देख रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस एंगल पे जाऊँगा कि मैं ये जो पाथ जैसे रिवर फ्लो करके जा रहा हूँ तो मैं किस एंगल पे जाऊँ कि मैं सबसे कम ये डेल्टा एक्स लूँ, ड्रिफ्ट सबसे कम हो। तब मैं क्या चाहता क्या हूँ, मैं मेरा डेल्टा एक्स यानी जो ड्रिफ्ट है वो सबसे कम हो। तब मैं बोलूँगा डेल्टा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा थीटा शुड बी जीरो, मतलब मैं ये चाहूँगा कि मेरा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में जीरो है, थीटा के, क्यों, वही मैं चेंज कर रहा हूँ। मेरी बात समझना बेटा, देखो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरा दिमाग ये सोच पाए मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी ओ बाई डी एक्स जीरो होता है। बट जब फिजिक्स में ये चीज़ें आएंगी तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको ऐसे देगा कि एक फोर्स है, फ्रिक्शन कोफिशियंट इतना इतना है, यहाँ पे आप बैग में किस एंगल पे खींचोगे इस बैग को कि
कि ये सबसे कम फोर्स में खिंच जाए। तब आप देखोगे वहां पे हम df बाई ये फोर्स क्या है, df बाई डी थीटा करेंगे तो हमें जीरो मिलना चाहिए, मिनिमम फोर्स जिसपे वो बैग आगे खिंच जाए फ्रिक्शन को अवॉइड करते हुए। बेटा यानी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मैं तुमको कोई कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट दूंगा, कभी कुछ दूंगा, जब तक तुम तीन चार क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक तुम डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं सीख पाओगे मैक्सिमम मिनिमम के रिस्पेक्ट में। मैं एक सिंपल सा पॉइंट बोलता हूँ बेटा, जस्ट ट्राई टू थिंक, यू हैव सम वेरिएबल, अगर उसके बदलाव से तुम किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हो, क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ द रेडियस वॉल्यूम इंक्रीज विल बी मैक्सिमम फॉर ए गिवन फिगर, ऐसे ही कुछ अरेंज करके। जब वाई और एक्स आपस में डिपेंडेंट हो तो एक्स का कौन सा चेंज आपको वाई को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हेल्प करता है, तब आप फर्स्ट स्टेप में यही करोगे डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो। बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी, हम पूरी इन दो सालों में 11 12th में क्वेश्चंस कर करके इनकी रियलिटी फील करेंगे। हर टॉपिक में डिफरेंशिएशन आएगा, हर टॉपिक में हम मैक्सिमम मिनिमम डाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को स्लाइटली थोड़ा सा ट्विस्ट करना हो हम इनका यूज करेंगे बेटा। अब बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाली क्लास में, ठीक है बेटा? ओके, मैं एंड कर रहा हूँ बेटा।